नमस्कार, स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। तीनों सीटों के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों के अलावा कांग्रेस पार्टी हर सीट पर 100 से ज्यादा नेताओं को उतारने की तैयारी में है। इन तीनों विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी फौज तैयार कर ली है जो मैदान में उतरने के पूरी तरह तैयार है। राजस्थान की तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव के रण में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। चुनाव जीतने की रणनीति के तहत पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज मैदान में उतारेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने तीनों सीटों पर प्रचार के लिए जाने वाले नेताओं की एक बड़ी लिस्ट तैयार की है और हर सीट पर करीब 100 से ज्यादा नेताओं की सूची बनकर तैयार है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा तैयार की गई ये सूची उपचुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी और उसके बाद प्रभारी मंत्री नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर उन्हें प्रचार के लिए भेजेंगे। कांग्रेस द्वारा तैयार की गई सूची में अधिकांश मंत्रियों के नाम शामिल है। इसके साथ ही विधायक, जिला प्रमुख, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी, महापौर, प्रधान, उप प्रधान समेत प्रदेश पदाधिकारी और संगठन के नेताओं तक के नाम इन सूचियों में शामिल है। उपचुनाव वाली सीट के मद्देनजर हर तरह के समीकरण को ध्यान में रखा गया। क्षेत्र की जनता पर कौन सा नेता ज्यादा प्रभाव डालेगा, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जातिगत आंकड़ों के मद्देनजर भी नेताओं के नाम तय किए गए, जबकि जिन नेताओं के नाम सूचियों में शामिल हैं, उनमें से पहले से ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कई लोग अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीसीसी ने पहले हर सीट के लिए 100 नामों की सूची तैयार की, लेकिन अब इसमें कुछ और नाम भी जोड़े गए हैं। इस तरह अब हर सीट में सूची में 110 से 125 तक नाम होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने प्रचार के लिए जाने की इच्छा रखने वाले नेताओं से स्वेच्छा से नाम मांगे थे और उन्हें अपनी पसंद का क्षेत्र चुनने के लिए कहा गया। पार्टी नेताओं द्वारा लिखित में जारी की गई इस इच्छा के आधार पर ही पार्टी ने प्रचार के लिए जाने वाले नेताओं की सूची तैयार की है। इन सूचियों में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के नेताओं के नाम नहीं, बल्कि सभी नाम बाहरी क्षेत्र के नेताओं के हैं। गौरतलब है कि पार्टी ने कल रात 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इस सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई मंत्री, विधायकों और कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं। इससे साफ है कि उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।